नागपुर के राज्य में सरकार की ओर से राज्य भर के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के बाद मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत कई गतिविधियों को छूट प्रदान की गई है। जी हाँ दोस्तों, कुछ शर्तों के आधार पर ही व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई थी। मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत अब तक राज्य सरकार की ओर से 28 फरवरी तक के लिए आदेश जारी किए गए थे। अब 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रखने तथा मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत दी गई छूट भी जारी रखने का नया आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार सिटी के प्रदत्त अधिकारों के तहत मनपा आयुक्त ने भी 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिटी का लॉकडाउन अलग उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की ओर से भले ही राज्य भर के लिए अलग से दिशा निर्देश दिए जाते हों, लेकिन सिटी में कोरोना की स्थिति को देखते हुए मनपा आयुक्त द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसी के तहत हाल ही में मनपा आयुक्त ने सभी गतिविधियों को केवल रात 9 बजे तक ही जारी रखने के आदेश दिए थे। 7 मार्च तक इन पाबंदियों को लगाया गया है। इसके अलावा शनिवार और रविवार को अत्यावश्यक को छोड़कर अन्य के लिए पूरा लॉकडाउन होने की घोषणा भी की गई है। सिटी के लिए जारी दिशा निर्देशों का यथावत पालन जारी रहेगा। सिटी में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर लगी पाबंदी भी 7 मार्च तक जारी रहेगी। 7 मार्च तक की स्थिति को देखते हुए भविष्य के लिए नए आदेश जारी किए जाएंगे। अलग अलग आदेशों से संभ्रम, राज्य सरकार और महानगर पालिका की ओर से समय समय पर अलग अलग आदेश जारी किए जाने से न केवल जनता बल्कि व्यापारियों में भी संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग अलग अधिकारियों के आदेशों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही यदि ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद भी रखना हो तो जिला अधिकारी की ओर से आदेश जारी होना अनिवार्य है, किंतु जिला अधिकारी ने कोई आदेश जारी नहीं किया, जबकि सिटी के लिए मनपा आयुक्त के अलग आदेश होने से संभ्रम बना हुआ है।